मैं यहां अपने लिए कोई वकील नहीं करूंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मुझे उस चीज के लिए सजा देना चाहता है जो मेरा विश्वास है। कोई भी यहां हिंदुओं को बचा नहीं सकता, ना न्यायपालिका बचा सकती। पैगंबर मोहम्मद के लिए विवादित टिप्पणी करने वाले यति नरसिंहानंद भारी बवाल के बीच कोर्ट पहुंचे। अपने हाथों में मुकदमे से जुड़े कागज लेकर वो अपनी बात रखते नजर आए और साफ कहा कि मुझे किसी वकील की जरूरत नहीं है। एक तरफ महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती के एक विवादित बयान को लेकर देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, तो दूसरी तरफ गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर के पास प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि यति नरसिंहानंद की गिरफ्तारी हो चुकी है और उन्हें गिरफ्तार करके पुलिस लाइन में रखा गया है। हालांकि पुलिस की तरफ से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इस बीच यति नरसिंहानंद के सोशल मीडिया पेज पर एक पोस्ट किया गया, इसमें उनका एक बयान है जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वो इसी मुद्दे पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। मैं यहाँ अपने लिए कोई वकील नहीं करूंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मुझे उस चीज के लिए सजा देना चाहता है जो मेरा विश्वास है। मैंने इनके प्रति कभी कोई अपशब्द या अपमानना के शब्द नहीं कहे हैं, लेकिन ये मेरे विश्वास के लिए, और मेरा विश्वास है कि अब इस देश में हिंदुओं को ना कोई पुलिस, ना कोई फौज, ना राजनीतिक सिस्टम, कोई भी यहां हिंदुओं को बचा नहीं सकता, ना न्यायपालिका बचा सकती। कश्मीर में जब हिंदू मारे जा रहे थे, फौज और कोर्ट यहीं थे। केरल में जब हिंदू मारे जा रहे हैं, फौज और कोर्ट यहीं हैं। खालिस्तानी आतंकवादियों ने 50,000 हिंदुओं का कत्ल किया था, सारे कोर्ट और फौज यहीं थे। आज मेवात में जो हो रहा है, कोर्ट और फौज उसे देख रहे हैं, पुलिस वाले खुद वहां मारे जा रहे हैं। ऐसे में हिंदुओं, आपको ये समझना चाहिए कि आप किस स्थिति में पहुंच चुके हो। मेरा कोई महत्व नहीं है। मैं एक सन्यासी हूं, आज हूं कल नहीं रहूंगा, लेकिन आपके बच्चे कैसे बचेंगे, आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य किनके हाथों में है, ये आपको तय करना है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सोशल मीडिया पर इस बयान को पोस्ट करने के साथ ये भी लिखा गया है कि मैं कोई वकील नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि सब बेकार है। हिंदुओं अपनी सुरक्षा खुद करो, सरकार के भरोसे मत रहो। हिंदुओं तुम मेरा साथ दो। बता दें कि पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद गाजियाबाद जिले स्थित डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद चर्चा के केंद्र में आ गए। यति नरसिंहानंद के खिलाफ FIR भी दर्ज हुई और जगह जगह उनके खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जहां AIMIM प्रमुख असीउद्दीन ओवैसी ने यति नरसिंहानंद की गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की थी। तो वहीं यूपी की नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने यति नरसिंहानंद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। चंद्रशेखर ने बड़ी मांग करते हुए कहा था कि यति नरसिंहानंद के खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई की जाए। इसके अलावा कैराना से सपा सांसद इकरा हसन ने भी नरसिंहानंद को नफरती और पाखंडी करार देते हुए रासुका और UAPA के तहत कार्रवाई की मांग की है। यति नरसिंहानंद की टिप्पणी के बाद उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले और अन्य राज्यों में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। शुक्रवार रात उनके भड़काऊ बयान का वीडियो वायरल होने के बाद बड़ी संख्या में लोग गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर के बाहर इकट्ठा हो गए। मंदिर के प्रमुख नरसिंहानंद के बयानों को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ और पुलिस ने मंदिर के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।